हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP3 की, जिसके 25 ईयर पूरे हो चुके हैं, यानी कि सिल्वर जुबली। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने टाइम कैप्सूल के कम्प्लीट टॉपिक की बात की थी, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP3 की कम्प्लीटली। वीडियो ये हिंदी में ही होगी। सो 25 वर्ष का हुआ MP3 गीत फॉर्मेट, तो यहाँ पर इसी की बात आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। जर्मनी ने 128 सदी पहले विकसित किए गए MP3 डाटा प्रारूप फॉर्मेट ने न केवल इंटरनेट पर संगीत प्रसारित करने या करना संभव बना दिया, बल्कि पूरे संगीत उद्योग को भी पलट कर रख दिया। अक्टूबर 2001 में एप्पल के बॉस स्टीव जॉब्स द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला आईपॉड, जिसमें 5 GB की हार्ड डिस्क थी, MP3 के परिणाम स्वरूप ही लगभग 1000 गाने स्टोर कर सकता था। 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट, यानी आपकी जेब में 1000 गीत। यह कहते हुए एप्पल के बॉस स्टीव जॉब्स ने 2001 में पहला आईपॉड पेश किया था, तो 2001 में एप्पल के बॉस स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट आईपॉड पब्लिश किया था या पेश किया था। इस क्रांति को ताकत मिली कंप्रेस्ड ऑडियो डाटा का इस्तेमाल करने वाली MP3 से, जिसका आविष्कार 25 साल पहले 14 जुलाई 1995 को कैलिफोर्निया नहीं बल्कि जर्मनी के एरलांगेन में शोधकर्ताओं ने किया था। फ्राउनहोफर सोसाइटी में विकसित की गई तकनीक ने उन सैकड़ों गानों को छोटी हार्ड ड्राइव पर फिट होने में सक्षम बनाया था। इसका इतिहास 1982 तक जाता है, जब गुणवत्ता बनाए रखते हुए संगीत डाटा को छोटा करने के लिए दौड़ जारी हुई थी। छात्र कार्ल हिंज ब्रैडनबर्ग ने उस चीज़ को चुना जो एरलांगेन के तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में उसके डॉक्टरेट अनुसंधान के विषय के तौर पर एक असंभव चुनौती की तरह लग रही थी। हालांकि प्रौद्योगिकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा था और जल्द ही टेलीफोन के माध्यम से डाटा भेजने की चुनौती को ग्रहण कर लिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरलांगेन में एक छोटी सी टीम ने मुख्य रूप से यूरोपियन यूनियन के यूरेका प्रोजेक्ट द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना में रेडियो टेलीविज़न के लिए ध्वनि की अगली पीढ़ी तैयार करने का निर्णय लिया। बर्नहार्ड ग्रिल, जिन्होंने ब्रैडनबर्ग के साथ काम और अध्ययन किया, कहते हैं, हम इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल नए थे, हमने कभी इस तरह की तकनीक का निर्माण नहीं किया था, हमें रेडियो तकनीक का कोई अनुभव नहीं था, हम शून्य से शुरुआत कर रहे थे। पूर्व ज्ञान की कमी टीम की एकमात्र चुनौती नहीं थी, व्यवसाय जगत से भी बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने कठिन खेल खेला, ग्रिल याद करते हुए कहते हैं, हम शोधकर्ता थे और हमारे प्रतिस्पर्धियों ने वास्तव में इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने हमें ऐसा आभास दिलाया कि हम ऐसी चीज़ों का सपना देख रहे हैं जिन्हें व्यावहारिक तौर पर अमल में लाना असंभव है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप MPEG एक एकल प्रक्रिया पर सहमत होने में असमर्थ था, इसलिए ध्वनि और संगीत को ऑनलाइन और डिजिटल रेडियो के माध्यम से चलाने के लिए 3 अलग अलग तरीकों का मानकीकृत किया गया था। MPEG परत 1 इसके बाद से बुला दिया गया। लेयर 2 को कभी कभी पुराने TV सेटों में स्टीरियो साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाता था। लेयर 3, जिसे अन्यथा MP3 के तौर पर जाना जाता है, ने व्यापक मान्यता प्राप्त की। ब्रैडनबर्ग अपने काम में सुधार करते रहे जब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। ब्रैडनबर्ग और उनके साथी शोधकर्ताओं हैंज गारहेसर, अर्नेस्ट एबरलीन, बर्नहार्ड ग्रिल, जुएरगेन हेरे और हेराल्ड द्वारा की गई सारी मेहनत ने न केवल रेडियो का नवीनीकरण किया बल्कि पूरे संगीत उद्योग में क्रांति ला दी, और उस क्रांति के हिस्से में एक आपराधिक हैक शामिल था। एरलांगेन के शोधकर्ताओं ने MP3 की क्षमताओं को दिखाने के लिए ऑनलाइन एक संदर्भ कोडर डाला। इसने केवल 1 मिनट के संगीत को एनकोड किया, लेकिन एक छात्र ने खेल के समय के दौरान इस सीमा को तोड़ने में कामयाबी हासिल की और कार्यक्रम के हैक किए गए संस्करण को ऑनलाइन अपलोड किया, जिसने MP3 तरंग को ट्रिगर किया जो पहले
नेक्स्टर ऑडियो प्लेटफॉर्म के शिखर पर पहुंच गई, जिस पर रूप ने MP3 को समाप्त कर दिया। उसने फिर संगीत उद्योग को ख़त्म कर दिया। रातों रात ऑनलाइन साझा करना संभव हो गया। आज की तुलना में भले ही डाटा ट्रांसमिशन एक घोंगे की गति से चले, उद्योग को पटरी पर लौटने में थोड़ा समय लगा। 2003 में iTunes म्यूजिक स्टोर और 2008 में स्पॉटिफाई जैसी कानूनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ इसने वापस उछाल ली। संपीड़न प्रक्रिया में बार बार सुधार के बावजूद MP3 और इसके उत्तराधिकारी निरंतर आलोचना के शिकार बनते रहे। ब्राइडनबर्ग मूल MP3 को लेकर कुछ आलोचनाओं को स्वीकार कर सकते हैं, मगर उनका कहना है डाटा ट्रांसमिशन की बेहतर गति के साथ AAC जैसी नई प्रक्रियाएं इतनी अच्छी हैं कि लोग वास्तव में विनाइल और डिजिटल संगीत के बीच अंतर नहीं बता सकते। ब्लाइंड टेस्ट इसे रेखांकित करते हैं, जिनमें ब्रिटेन का हर्ड्सफील्ड विश्वविद्यालय भी शामिल है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला, ध्वनि की गुणवत्ता एकमात्र परिभाषित कारक नहीं है और श्रोताओं की प्राथमिकताएं अन्य गैर श्रवण विशेषताओं से गहराई से प्रभावित होती हैं। फ्राउनहोफर IIS अब ऑडियो कोड की चौथी पीढ़ी के लिए लाइसेंस दे रहा है। लगभग सभी स्ट्रीमिंग AAC साउंड कोड की दूसरी तीसरी पीढ़ी का उपयोग करती हैं। ग्रिल का कहना है कि चौथी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी संवर्धित वॉइस सर्विसेज EVS हैं, जो 4G और 5G फ़ोन में बेहतर ध्वनि की गुणवत्ता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली MP3, जिसके 25 ईयर हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने बात की कि किस तरह से कार्ल हीन्ज ब्राइडनबर्ग का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी के कारण ही यहाँ पर 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट यानी आपकी जेब में 1000 गीत के साथ एप्पल के बॉस स्टीव जॉब्स ने 2001 में पहला आईपॉड पेश किया। तो ये संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ MP3 टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर इस कंप्लीट टॉपिक की बात कर ली हमने, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू।